अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सब कैसे हैं? आपको मेरा नाम सर, मैं हूं मैम। आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एकदम फिर से सबसे पहले तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज हमारा एक और चैनल है, पाकिस्तान एंटरटेनमेंट रिएक्शन चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मूवीज के सीन्स वगैरह अपलोड किए जाते हैं, प्लीज वो भी जाकर जरूर विजिट कीजिए। आज की जो वीडियो लेकर आए, इंडियन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, हम देखेंगे भाई भाई इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या प्राइस यहाँ पे चल रही है, और क्या वो ओरिजिनल है या नहीं, या फिर वो लेबल ही बस इंडिया का लगा के बेच रहे हैं। प्लीज आप लोग देख के हमें जरूर बताएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो देखते हैं आज पूरे चल। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैसूर संदल सोप है, ये भी मेरे ख्याल में इंडियन ही है, और इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं। ये मार्गो, ये क्या चीज़ है बॉस? मार्गो साबुन, ये साबुन है, ये भी इंडिया का ही है। और सिंथॉल आपको नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके चीज़ें दिखा दूँ। बजरंग बली कैसे आप? ठीक है। अच्छा भाई, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि यार इंडियन प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो आज एक हम शॉप पे हैं और एरिया पीछे आपको ये दिखा सकूँ। कौन सा एरिया ये कहते हैं इसको? निगार सिनेमा पान मंडी कहलाता है, निगार सिनेमा पान मंडी का जो ये एरिया है। और भाई के भाई का नाम क्या है बॉस? जावेद अबीब भाई है। और शॉप का नाम क्या आपकी? मामा जनरल स्टोर। और इनके पास जो है इंडियन प्रोडक्ट्स होती है काफ़ी। वैसे तो भाई ज़ाहिर है रश का टाइम है इस वक्त, लेकिन इन्होंने जो है थैंक यू सो मच कि इन्होंने इजाज़त दी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? थोड़ा सब होता है, तेल, शैम्पू, क्रीम, साबुन वगैरह, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, माजून वगैरह होते हैं इंडियन देसी। ये फेयर एंड लवली होती है इंडिया की, मोनिसन बाम होता है, टाइगर बाम वगैरह, वाटिका के प्रोडक्ट्स होते हैं, तेल वगैरह। चीज़ें हमें दिखा दें जी, आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ये फोग का बॉडी स्प्रे है, ठीक है, ये फोग का आप बोले फोग का बॉडी स्प्रे है। ये जो है मोनिसन बाम होता है इंडिया का, ये टाइगर बाम है, ये वाला दिखा हुआ है, ये आयोडेक्स बाम है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर वगैरह गोदरेज के लगे हुए हैं जी, ये जंडू बाम हो गए, ये जंडू बाम है, ठीक है ना। उसके अलावा ये मेहंदियाँ हैं, ये गोदरेज के कलर वगैरह हैं, डाई वगैरह हैं, ठीक है जी जी जी। और उसके अलावा ये जो है देखें, ये तंबाकू भी मिल जाते हैं, और ये सुरमा है, रत्ना, ये रत्ना आ गया। तो भाई ये रत्ना भी है, ठीक है ठीक है। इसके अलावा जो है और भी प्रोडक्ट्स आपके हैं, क्रीम वगैरह है सामने, रजनीगंधा, ये पान मसाला है, पता नहीं अभी कहीं दिखा है, ये पान मसाला, रजनीगंधा भी भाई यहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा पीछे भी काफी जो है चीजें हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स और वो उस तरफ भी दिखा दें, यहाँ पे शैम्पू वगैरह जो है ना, जेल वगैरह, तेल वगैरह, ये यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं, साबुन भी हैं इधर, डाइजेस्टिव की चीजें होती हैं, चूरन वगैरह। अरे ऊपर क्या चीज पड़ी है? ये वो पेट साफ चूरन पड़ा हुआ है, एक मिनट ये पकड़िएगा, ये पेट साफ चूरन है, ये डाइजेस्टिव के लिए होता है, सीने में जलन, तेजाबियत वगैरह, ये पेट साफ नाम है, पेट साफ डिविजिया का, हाँ पेट साफ है। और इसके अलावा भी काफी चीजें और भी भाई के पास, और दर्दों के तेल भी होते हैं, शैम्पू वगैरह, ये सारी चीजें हैं, क्रीम वगैरह हो गई, पापड़ भी आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये इंडियन पापड़ है, अगरबत्ती आ गई, तो ये साईं बाबा की जो है अगरबत्ती भी ओरिजिनल लग रही है, पता नहीं तो काफी प्रोडक्ट है यहाँ पे मौजूद। अच्छा, एक और चीज जो है आपको बताता चलो, भाई जो है गुजराती हैं, तो थोड़ा सा गुजराती में कुछ बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, केम सो तुम्हें बता, ठीक ठाक सो, बीजू आई बदू जैसे ने इंडियन सामान मरे से, तेल वगैरह, क्रीम, शैम्पू, बोरो प्लस नी भी क्रीम मर से, एंटीसेप्टिक, ठीक से बताओ। आपकी जगह हम भाई को जो थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं, ये जो है बोरो प्लस है, ये किस चीज के लिए? हाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम से, आज जली जाए, कटी अच्छा जाए, हाँ। दाना था है, बदे में काम आओ, और भी काफी मतलब बदी चीजों से, भूसी भी छे ना, स्किन ना, साबुन भी छे,
नीम ना बदहा। तो बाकी ये फ्रेंड्स देख सकते हैं काफी प्रोडक्ट्स पड़ी हुए हैं अंदर, रसवा है, रामाना है, अब काफ़ी तो मैं भी नहीं जानता इतना, लेकिन आप लोग खुद पहचानते होंगे प्रोडक्ट्स, तो मैं इसलिए अंदर आ गया, मैंने कहा ये देखूं। और डर्मी कूल उसके अलावा ये नवरत्न और बोरो प्लस और वेजलिन वगैरह और दूसरी चीज़ें, उसके अलावा ये कायम चूरन भी एक मेरे ख्याल में काफ़ी फेमस है, और इच गार्ड है, इचिंग होती है जहाँ पे, और उसके अलावा फेयर एंड हैंडसम है, काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी, वीआईपी हेयर शैम्पू है, तो उसके अलावा गार्नियर है, आयोडेक्स फास्ट रिलीफ मूव नज़र आ रहा होगा, फेयर एंड लवली है, जंडू का कुछ है ये, तो काफ़ी इस तरह के और आइटम्स हैं। और आजकल शायद जो है इतने आइटम, अच्छा ये भी आप देख सकते हैं पॉन्ड्स वगैरह, और ये देख सकते हैं ईमानी, और ये आप देख सकते हैं। अच्छा जावेद भाई आजकल क्या पोजीशन, अभी तो इतना नहीं आ रहा होगा माल वाल छोड़कर? आता है लेकिन अराइवल से आता है, ठीक है ना, एक दो मुमाली घूम के आ जाता है पैसेंजर के थ्रू जो है ना। और इनके रेट्स वगैरह भी मतलब मुनासिब है क्या है रेट्स? हाँ रेट मुनासिब है, लेकिन अभी जो अराइवल से आ रहा है उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है जी। कितना टाइम हो गया ये काम इस फील्ड में? भाईजान अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वो तीसरी ना जो है नस्ल है, 36 से 37 साल हो गए मेरे दादा मरहूम के ज़माने से हमारा काम है। अच्छा, और अगर गुजरात में आपके बड़ों की बात की जाए तो कहीं से मतलब रिश्तेदार या ताल्लुक? जी जी, अहमदाबाद में है, गोधरा गुजरात में है, यानी सूरत जो कहलाता है, ठीक है ना, अहमदाबाद में, बड़ोडा में भी हैं, ठीक है, मुंबई में कुछ है हमारे रिलेटिव्स, लेकिन जो हमारी अक्सरियत है ना वो जो है गोधरा में, गोधरा ये हम बस ये गोधरा के गुजराती हैं, ठीक है ना, पीछे से जो है हमारा जो आबा अजदाद जो है वहाँ से थे, ठीक है ना, फिर यहाँ जो माइग्रेट करके आए, फिर जो नस्ल दर नस्ल बढ़ी वो यहाँ आके मेहनत की जी। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैसूर संदल सोप है, ये भी मेरे ख्याल में इंडियन ही है, और इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं, ये मार्गो, ये क्या चीज़ है बॉस? मार्गो साबुन है। ये साबुन है, ये भी इंडिया का ही है, और सिंथॉल आपको नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके चीज़ें दिखा दूँ, हम ये पूरी वीडियो इसी पर ही रखेंगे, पहले हमने सोचा था कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, वाइको हाजमूला तो होता ही है बिल्कुल, वो तो काफ़ी जगह नज़र आता रहता है, हाजमूला भी हो गया, और स्ट्रेस कॉम कैप्सूल्स हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। ये नाम कौन सा है बस? ये हिंदी में लिखा हुआ है पता नहीं। ये हवा बन आटे हैं, ये जो है हाजमे के लिए होता है ये, ठीक है ना, हाजमा करता है मतली वगैरह खाने के बाद हो जाता है। और ये जो दूसरा ये है, ये पान की चटनी है, मीठे पान में भी डलती है और टुबैको में भी डलती है, दिल खुश है ना गोपाल की। तो बाकी भी और काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बताइएगा भाई कैसी लगी वीडियो, और ये पान मंडी का एरिया है यहाँ पे काफ़ी, पान मंडी कहलाता है, ये निगार सिनेमा एक बड़ी ओल्डेस्ट सिनेमा है जो कि अब तो बिल्कुल जो है तबाह हाल हो चुका है, कराची का एक पुराना एरिया है, और इसके अलावा यहाँ हाँ बोर्ड भी सामने बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं, ये आप बोर्ड देख सकते हैं शॉप का, उर्दू में लिखा हुआ मामा जनरल स्टोर, तो अगर किसी भाई को प्रोडक्ट्स यहाँ से कुछ भी लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं, और जावेद भाई से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको हर अच्छी चीज़ मिलेगी, और प्योर गारंटी है कि ये इंडियन की हो। बिल्कुल, जो चीज़ जैसी होती है इंशाल्लाह वैसे बता के दी जाती है, ठीक है ना, और 95% मेरे पास काम ही इंडियन प्रोडक्ट्स का है, और जो भी चीज़ जहाँ की होगी वो बता के दी जाती है, ठीक है। ये पापड़ जो है ये लज्जत पापड़ है, ये उड़द का होता है, और बड़े टेस्टी पापड़ होते हैं, जी 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 बड़े टेस्टी होते हैं, इसको आप सेक के खाएं मज़ा आता है, ये पड़ेगा 430 रुपए का, 200 ग्राम का पापड़ है, तकरीबन इसमें 20-22 जैसे होते हैं, ग्राम का हिसाब होता है इसमें। अच्छा एक मुझे फॉग दे दे, बल्कि यही वाला जो है, जी 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 कोई बात नहीं, अच्छी है इसकी फ्रेगनेंस। तो फ्रेंड देखिए भाई से फॉग हम ले लेते हैं, बाकी तो महेश भाई भी यहाँ से इनसे जो है चीज़ें लेते रहते हैं, महेश भाई वो मैं पेयर्स ज़्यादा लेता था पर पेयर्स आना ही बंद हो गया था, तो अभी भी इन्होंने यही कहा कि कुछ टाइम में वो आ जाएगा, और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान का जल्दी जल्दी ये रास्ते खुल जाए तो इनका भी काम चले और हमारा भी काम हो जाए, क्योंकि पेयर्स मैं इंडियन यूज़ करता हूँ।
काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी भाई, इंडियन प्रोडक्ट्स जो के ओरिजिनल बिल्कुल थे, क्योंकि कुछ भी फेक नहीं थे लग रहे हैं। हमने देखे हुए हैं ना वीडियोस वगैरह में, देखते हैं हम इंडिया की जो चीजें होती हैं तो वैसे ही बिल्कुल हिंदी लिखी हुई थी। बिल्कुल इनकी, अभी इन्होंने दुकान के बाहर जब मारा ना कैमरा जरा दिखाया तो वो लिखा हुआ था ऊपर की यहाँ पर इंडिया की हर किस्म की ना चीजें, 100% जो है ओरिजिनल चीजें बेची जाती हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान में बना के लेबल इंडिया का लगा के बेच दे, होता है ना ऐसा की नकली चीजें, लेकिन भाई नकली जो चीजें होती है उनका भी ना पता चल जाता है, उनके जो डिब्बा होता है उसे पता चल जाता है। भाई गुजराती थे, गुजरात जो है ना कराची के पास किया, तो मुझे लगता है जब ये आए भी होंगे ना तो समुंदर की तरफ से आए होंगे, क्योंकि आपको बताइए कि वहाँ पास में ही लगता है जो गुजरात है समुंदर के जरिए, तो वहाँ से आगे होंगे। और इन्हें काफी अच्छी गुजराती भी आती थी, उन्होंने वहाँ पर गुजराती बोल के भी बताया घर पे। मुझे लगता है जो लोग मतलब अपना पुराना जो भी हम जैसे पंजाबी है तो घर में हम सब लोग पंजाबी बोलते हैं, हम उर्दू नहीं बोलते, वीडियो बनाने के लिए बस उर्दू बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आती पंजाबी इस वजह से। तो इसी तरह से ये गुजराती हैं तो कस्टमर्स के साथ तो ये उर्दू या जो भी वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है उसमें करते हैं। घर पे जो लोग अपनी एक ओरिजिनल मादरी जो मतलब उनके घर की एक लैंग्वेज होती है ना वही वो बोल के, तो उससे दुकान भी इनकी काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी ज्यादा इनके जो चीजें थी ना इन्होंने बताया। सही बात है, पाकिस्तानी लोगों को तो चाहिए अगर हमें कभी कराची जाने का मौका मिला तो ये शॉप पे जरूर विजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ओरिजिनल चीजें हैं। और पर्सनली मुझे इंडिया की चीजें काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनके मुझे फेयर एंड लवली जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ की भी मैंने यूज करके देखी है, पहले ना यहाँ पे पाकिस्तान में मतलब है लाहौर में एक बाजार, वहाँ से हम एक येलो कलर की जो होती है ना फेयर एंड लवली वो लेते थे, तो इतनी ज्यादा वो अच्छी होती थी, बड़ा मतलब उससे गोरा चिट्टा रंग हो जाता था, लेकिन अभी कभी यूज ही नहीं किया। और पियर से उन्होंने ना साबुन की बात की, वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल का साबुन होता है इंडिया का खासतौर पर अगर हो तो। लेकिन वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, मजा आया देख के, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भी मिलता है। थैंक यू।